सालों बाद हुई है मरियम की लाइफ में खुशियों की एंट्री। फवाद को अपना हमसफर बनाने की मरियम की चाहत जो होने जा रही है पूरी। मतलब डबल खुशखबरी है ना? अरे चौकी मत, आपने जो भी सुना वो बिल्कुल सच था है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मरियम का फवाद से जल्द होने वाला है निकाह, जिस कारण मरियम की खुशी का नहीं है कोई ठिकाना और घर में चल रही है जोरों से तैयारियां। लेकिन मरियम की माँ को आ जाती है मरियम के पापा की याद। जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां होंगी कैसे। क्यों फिकर करती है? ठीक है कुछ भी हो, लेकिन मेहंदी हमारी पुरानी वाली दुकान से ही आएगी जहाँ से हर साल ईद के लिए मंगाते हैं। ठीक है। की हो यार, की सोच रही है? जी अगर मजाज अपनी बेटियों को काम में शामिल हो पाएगी तो मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, एक बाप वास्ते उसकी बच्ची का निकाह कितने मायने रखता है, और ऐसे वो कभी नहीं भूलता है। सब तो यही उम्मीद है कि जिस तरह मरियम ने हमारी जिंदगी में और इस घर में खुशियाँ भर दी है, जहाज को भी ढूंढ ले और हमारी खुशियाँ पूरी हो जाए, हमारा खानदान पूरा हो जाए। जब वो चाहे ऐसी तरह, जिससे गमगीन हो जाती हैं उनकी आंखें। मरियम की माँ को इस बात की है पूरी उम्मीद कि मरियम ले आएगी अपने पापा को वापस, जिससे पूरा हो जाएगा इनका परिवार। फिलहाल तो घर में खुशियों का है माहौल, वो भी डबल धमाल के साथ, क्योंकि मरियम और फवाद के साथ ही होने वाला है मेहर का निकाह भी। खुशियाँ तो एक्चुअली बहुत दिन बाद आई है इस घर में, और माहिरा के निकाह के बाद अब ये पहला निकाह है जो होगा, वो भी दो दो निकाह होंगे, तो सब बहुत खुश हैं। और अब क्योंकि बीजी भी हैं और दादा हुजूर भी बहुत खुश हैं, सो एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर वेडिंग। इनके निकाह से जहां परिवार में सभी हैं खुश, तो रिफत मुमानी काफी दुखी हैं, जिस कारण मरियम रिफत की कर रही हैं टांग खिंचाई। आखिर ऐसा क्या है कि जिस निकाह से पूरा परिवार खुश है लेकिन रिफत दुखी है? मदीहा आप ही बताइए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। मरियम और फवाद के निकाह के बारे में तो उन्हें पता था, क्योंकि वो फवाद ने उन्हें बता दिया था कि ये मरियम है और मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैन जो उनके बड़े बेटे हैं वो मेहर को पसंद करते हैं, और तो ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी जो न्यूज़ ब्रेक हुई है उनको कि जैन मेहर से उसी दिन निकाह करेंगे जिस दिन फवाद और मरियम का निकाह है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई। एंड बेसिकली शी हैज़ एक्सेप्टेड, फर्स्ट शी वाज सेइंग नो टू इट, बट नाउ शी हैज़ एक्सेप्टेड कि ठीक है, आई एम फाइन विद जैन एंड मरियम्स निकाह, बट एज यूजुअल शी इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलिया के कारण मेहर ने जैन से निकाह करने का मन बनाया हो? जैन और मेहर का निकाह, वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, मेहर बहुत वक्त से उन्हें पसंद करती है जब से वो वापस लौटे हैं, और जैन का पसंद करना मेहर को, पसंद तो करते ही हैं वो, और भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेहर ने एक तरीके से आलिया का बहुत ख्याल रखा है, माँ की तरह है उसकी, तो वो उस चीज़ ने मेहर और जैन के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो वही खुशी के इस पल में ऐसा क्या हो गया कि रिफत रोने लगती हैं और सभी घर वाले उसे समझाने में लगे हैं? वो बहुत जो उन्होंने प्लानिंग की थी मरियम और फवाद को मरवाने की, तो वो उसमें फवाद मतलब जो दूसरा लड़का था, उनको ये नहीं पता था कि वो लड़का फवाद है, तो अब उन्हें पता चलता है कि वो लड़का फवाद था, और अभी क्योंकि किसी की खैरियत की खबर नहीं आई है तो उन्हें लग रहा है कि मरियम के साथ फवाद भी मर गए हैं, तो वो उसकी वजह से वो रो रही हैं।
भाई इस खबर ने तो घर वालों की खुशियों पर दुख का साया डाल दिया है। वेल हमें तो पूरी उम्मीद है कि मरियम और फवाद जल्द लौट आएंगे वापस, और वो भी जल्द से जल्द।